यार गाइस आज दिन तो बहुत ही ज्यादा सुहाना है, मगर ये चोप को क्या हुआ? ओ शिट यार चोप भाई, तुझे ये क्या हो गया भाई? यार कहीं इसको पैरालाइज का अटैक तो नहीं आया? और इसके हाथ पैर देखो दोस्तों, बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई यार इसको। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सिंचेन भी नहीं दिख रहा। अरे सिंचेन सिंचेन जल्दी आ यार भाई, देख चोप को क्या हो गया। अरे भैया क्या हुआ चोप को? रुको तो मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ यार भाई, देख इसको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये हवा में घूमे जा रहा है गोल गोल और कुछ बोल भी नहीं रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये चोप तो रात को अच्छा था, अचानक से इसको सुबह क्या हो गया? तू खुद देखना यार, तू इससे बात करके देख, ये कुछ बोले शायद। अरे चोप तुझे क्या हुआ है, कुछ बोलना। अरे फ्रैंकलिन भैया आप जल्दी से किसी डॉक्टर को फोन लगाओ यार। ये तूने ठीक कहा, रुक लगाता हूँ। अरे डॉक्टर यार जल्दी फोन उठा ले यार भाई, घंटी पूरी जा रही है, फोन भी नहीं उठा रहा है। सिंचेन यार ये तो गड़बड़ हो गई, डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, अब तू बता हम क्या करें। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों ना हम उसको घर से जाकर ही ले आते हैं। हाँ यार गाइस वैसे सिंचेन कह तो सही रहा है, क्योंकि अगर हमने इसको ज्यादा लेट किया तो चोप की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। चल सिंचेन हम डॉक्टर को ही लेकर आते हैं। वैसे तूने उसका घर देखा है क्या? हाँ भैया वो शॉपिंग मॉल के पास उसका क्लिनिक है, चलो वहीं से लेकर आते हैं उसे। सिंचेन हमारा चोप ठीक तो हो जाएगा ना? अरे हाँ भैया आप टेंशन ना लो, वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसको एक इंजेक्शन लगाएंगे और देखना ये पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान करे यार सिंचेन बस ऐसा ही हो और हमारा चोप पहले जैसा बिल्कुल चलने फिरने लगे। फ्रैंकलिन भैया गाड़ी धीरे चलाना, कहीं किसी में आप ठोक मत देना। फ्रैंकलिन भैया चोप रात तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से इसको सुबह आखिर क्या हो गया? वही तो यार मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे सही बात तो डॉक्टर ही हमें बताएगा कि आखिर चोप को कौन सी बीमारी हुई है। वैसे मुझे तो सच बताऊं ऐसा लग रहा है कि इसको पैरालाइज का अटैक आया है। अरे लेकिन भैया ये हवा में गोल गोल क्यों घूम रहा है? वही तो बात समझ में मुझे भी नहीं आ रही यार। चलो यार गाइस हम पहुंच तो चुके हैं अब डॉक्टर के क्लिनिक के पास। अरे सिंचेन तू तो कह रहा था कि यहीं पर उसका क्लिनिक है, मुझे तो आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अरे भैया यहीं पर तो मैंने उसको देखा था। अरे सिंचेन तुम यहाँ कैसे? अरे डॉक्टर मैं क्या बताऊँ, हमारे चोप को कोई बीमारी हो गई और वो हवा में गोल गोल घूम रहा है और उसके हाथ पैर भी टेढ़े हो चुके हैं पूरे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है, तुम एक काम करो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं वहाँ जाकर देखूंगा कि आखिर उसको कौन सी बीमारी है। अरे डॉक्टर साहब आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मैं कितनी देर से आपको फोन ट्राई कर रहा था। अरे बेटा वो मेरा फोन चार्ज पे लगा था, मुझे पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, अब आप जल्दी से चलो और हमारे चोप को पूरी तरह से ठीक कर दो। और हाँ यार दोस्तों आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना यार, क्योंकि चोप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप भी प्रे करो कि चोप हमारा पहले जैसा सही हो जाए। चलो यार गाइस अब जल्दी से डॉक्टर को दिखाते हैं कि आखिर चोप को हुआ क्या है। अरे सर देखो देखो ये हमारे चोप को क्या हुआ, ये हवा में घूम रहा है। देखो फ्रैंकलिन ऐसा है, मैंने इसको पूरी तरह से एग्जामिनिंग कर लिया है, तुम्हारे चोप को एक एलियन वाले वायरस ने काट लिया है, इसी वजह से ये हवा में गोल गोल घूम रहा है और इसके हाथ पैर भी देखो कितने ज्यादा टेढ़े हो गए हैं। और हाँ इसका इलाज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने कुछ ही घंटों में इसका इलाज नहीं करवाया तो इसकी जान भी जा सकती है। अरे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं अपनी जान पर खेल के चोप को बचा के रहूंगा, आप बस बताओ मुझे करना क्या होगा। ठीक है फ्रैंकलिन तो ध्यान से सुनो, तुम्हें काला पहाड़ी पे जाकर एक एलियन का अंडा चुरा कर लाना पड़ेगा और वो अंडा सीधा लाकर मुझे दे देना, मैं उससे एक दवाई बनाऊंगा और उससे तुम्हारा चोप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और उस काली पहाड़ी का एड्रेस मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया हम वो अंडा कैसे लाएंगे, और हम दोनों तो सिर्फ अकेले हैं, इतने सारे एलियन से हम कैसे लड़ेंगे? रुक माइकल को फोन लगाता हूँ, वो शायद कुछ लोंडो की जुगाड़ करवा देगा, क्योंकि उसके बहुत सारे गैंग मेंबर से पहचान है। अरे माइकल भैया मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ। हाँ फ्रैंकलिन बोलो। अरे मुझे चार पांच लोंडो की जरूरत थी थोड़ी, जरा एक काम था। तो ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें? अरे वो सब मैं आपको मिलकर पूरी कहानी समझा दूंगा, लेकिन अभी आप मुझे चार से पांच बंदे अरेंज करवा दो जिनके पास बड़े से बड़े गन और हथियार हो और जो लड़ने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर हो। ठीक है फ्रैंकलिन तुम काला पहाड़ी पर पहुंच जाओ, मैं लड़के वहीं पर भेज देता हूँ। सिंचेन जल्दी से हम काला पहाड़ी पर चलते हैं, वहीं हमें गैंग वाले पूरे मेंबर मिल जाएंगे। अरे भैया ठीक है तो चलो फिर, जल्दी से देर मत करो, हमें वो एलियन के अंडा जल्दी से कुछ भी करके लेकर आना होगा। अरे भैया ये आपने लाल वाला पिकअप ट्रक कब खरीद लिया? अरे सिंचेन ये एक दोस्त का ट्रक है यार, वो कल छोड़कर चला गया था, चल उसी को ले चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया एलियन से लड़ने के लिए हमारे पास अभी तो एक भी हथियार नहीं है। अरे यार सिंचेन तू टेंशन नहीं ले, माइकल भैया उन लोंडो के साथ हथियार भी बेच देंगे। चल गाड़ी साइड में लगा के माइकल भैया को फोन करता हूँ, क्योंकि यार यहाँ तो देख कोई भी आसपास नजर ही नहीं आ रहा। चल यार यहीं पेड़ के नीचे छांव में गाड़ी लगा देता हूँ। यार सिंचेन अब मैं माइकल भैया को फोन ला के बोलता हूँ कि आपके गैंग मेंबर तो कोई यहाँ आया ही नहीं। हाँ हाँ भैया जल्दी से फोन करो यार। अरे माइकल भैया मैं काला पहाड़ी पर पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ तो आपका कोई मेंबर दिख ही नहीं रहा है। अरे फ्रैंकलिन थोड़ा आसपास जाके देखो यार, वो लोग तुमसे पहले
पहले वहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी पूरे हथियार के साथ। अच्छा रुको मैं चेक करता हूँ। चल सिंचन थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। माइकल भैया ने बोला आगे वो लोग खड़े होंगे। अरे यार आप सभी लोग यहाँ खड़े हो। अरे सिंचन आ जाए, ये लोग मिल गए। हो अंकल आपको मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यार, और आप लोग यहाँ छुपकर कोने में क्यों खड़े हो? अबे हम किसी से डरते नहीं है, यूँ जहाँ छुपकर खड़े होंगे वो तो माइकल भैया ने हमें यहाँ खड़े होने के लिए बोला था पगले। और हमारे पास देख कितनी बड़े बड़े हथियार है, तुझे लगता है हम किसी से डरते होंगे? अरे फ्रैंकलिन भैया इन लोगों से हमारे लिए हथियार तो मांग लो, हम क्या हाथ से लड़ेंगे? अरे हाँ सिंचन मैं तुम्हारे लिए भी हथियार लाया हूँ, ये लो। अरे वाह अंकल जी, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम गन है। और गाइस देखो हमारे पास पूरी गैंग तैयार हो चुकी है, वो भी बड़े बड़े हथियारों के साथ। अब तो मुझे लगता है एलियन हमसे नहीं जीत पाएंगे। चलो यार गाइस हम देखो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं एलियन से फाइट लड़ने के लिए। अब बस मुझे एलियन दिख जाए सालों को एक एक करके भूल डालूंगा। वैसे यार यहाँ जगह तो पूरी सुनसान पड़ी है, देखो यहाँ कोई एलियन तो छोड़ो इंसान भी नजर नहीं आ रहा यार। चलो थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ शायद से कोई नजर आ जाए, कहीं डॉक्टर ने हमारा पोपट तो नहीं बना दिया यार। ओ शिट एलियन आ गए गाइस। दोस्तों जल्दी से फायर करो और एक भी एलियन को मत छोड़ना, हमें इन एलियन से अंडा चुराना है अपने चोप को बचाने के लिए। अरे भाई एलियन तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अबे तेरे तो साले ये ले, दिख नहीं रहा मेरे पास कितनी औसम गन है? बेटा तुम लोगों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तुम मुझे जल्दी से वो अंडा दे दो। गाइस यार ये एलियन तो यहाँ बहुत सारे हैं, पता ही नहीं कितने एलियन अभी कहाँ बाहर छुपे होंगे। आने तो कितने एलियन आते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको उड़ा दूंगा इस गन से। और सिंचन भाई तू संभाल के लड़, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एलियन है। ओ शिट यार गाइस, ये एलियन लोगों ने तो हमारे गैंग के मेंबर को मारना शुरू कर दिया है। जल्दी से मुझे इन एलियन को मारना होगा वरना ये लोग तो हम पर हावी हो जाएंगे। गाइस यार यहाँ कार के पीछे साइड से कोई एलियन छुपे हुए हैं। बेटा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया हमारे पूरे गैंग मेंबर्स मर चुके हैं, सिर्फ एक ही बंदा बचा है। अरे हाँ यार सिंचन तू टेंशन नहीं ले, मैं सभी एलियन को मारने वाला हूँ, बस एक ही दो बचे हैं उनको भी मैं लुढ़का दूंगा। ओ शिट यार गाइस हमारे गैंग के मेंबर तो पूरे ही मर चुके हैं, सिर्फ एक ही बंदा बचा है आखिरी का। अरे यार देखो ये बेचारे अंकल भी मर गए। माइकल भैया बोलेंगे यार मैंने पूरे गैंग मेंबर को मरवा दिया, लेकिन अब मैं भी क्या करूं, लड़ाई भी तो हमारी एलियन से यार, और इनके पास देखो कितनी बड़ी बड़ी गन है। चलो यार एलियन तो पूरे मर चुके हैं, अब हमें अंदर जाकर उस अंडे को ढूंढना होगा। अरे शिट यार यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अबे ये तो यहां से लॉक है। ओ शिट यार ये गेट भी बंद है। चलो आगे चलकर देखता हूं वहां शायद अंडा मिल जाए। अभी वो देखो एक एलियन जा रहा है, कहीं इसको पता ना चल जाए। चलो छुप कर देखता हूँ इसको मैं। सिंचन थोड़ा साइड में खड़े होना वरना ये देख लेगा हमें। यार बहुत देर हो गई, चलो इसको मारकर लुड़का ही देता हूँ। ये ले, चल 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 मर गया, ये मर गया। इसके पास जाकर देखते अंडा है कि नहीं। और रे यार इसके पास भी कुछ नहीं है, अब हम कहाँ ढूंढेंगे यार, कहीं अंडा मिल ही नहीं रहा है। ये डॉक्टर ने मुझे लगता है अपना पोपटी बना दिया पक्के में। अरे भैया आप एक काम करो, हम दोनों बाहर जाकर अब अंडा ढूंढते हैं, यहाँ अंदर तो कुछ है नहीं। चल ठीक है यार बाहर ही जाकर देखते हैं। अब क्या करें यार हम लोग कितना परेशान हो गए, अंडा मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो यार उस पेड़ के नीचे देखता हूँ शायद से यहाँ मिल जाए। अभी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है भाई पेड़ के नीचे। ओ माय गॉड यार सिंचन जल्दी आ जा, हमें एलियन का अंडा मिल गया। जल्दी से इस अंडे को हम उठाते हैं और अपनी गाड़ी पर रखते हैं, क्योंकि सिंचन हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ भैया जल्दी से चलो इसे, मैं पकड़ के गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। आप जल्दी से गाड़ी चलाओ और डॉक्टर के पास ले चलो इसको अंडे को। देखो यार गाइस अब हम जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं। बस 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 यही गाड़ी टिका दे। अरे यार ये डॉक्टर अभी तक आया क्यों नहीं, मैंने उसको फोन करके बोल भी दिया था कि हम अंडा लेकर आ रहे हैं। अरे वाह फ्रैंकलिन तुम तो अंडा इतनी जल्दी ले आए, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़के हो यार। अरे डॉक्टर साहब आप ज्यादा से बकवास मत करो और ये अंडा लेकर जल्दी जाओ, दवाई बनाकर मेरे घर पर लेकर जल्दी पहुँचो। ठीक है
फ्रैंकलिन, मैं जल्दी से इस अंडे से दवाई बनाता हूँ और तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा चोप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आप कुछ भी करो, बस मेरे चोप को पूरा पहले जैसा बना दो। हाँ हाँ वो ठीक हो जाएगा। चल सिंचन हम जल्दी से घर चलते हैं, वहाँ चोप अकेला होगा। जब तक डॉक्टर दवाई बनाकर हमारे घर ले आएगा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। बस किसी तरह से हमारा चोप पहले जैसा हो जाए। सिंचन यार कितनी देर हो गई, अभी तक ये डॉक्टर आया क्यों नहीं? फोन लगाऊं क्या इसको? अरे भैया उन्हें टाइम दिया तो था, बस वो आने वाला होगा। अगर सिंचन ये डॉक्टर नहीं आया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूँ। अरे भैया देखो डॉक्टर आ गया, लेकिन ये अपने गले में देखो क्या टांग कर ला रहा है। अरे सिंचन लगता है ये वही दवाई जिससे हमारा चोप ठीक होने वाला है। हाँ फ्रैंकलिन तुमने सही कहा, ये वही दवाई जिससे तुम्हारा चोप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बस तुम दोनों अपना मुंह बंद करके साइड में खड़े हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। अरे यार सिंचन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये डॉक्टर कर क्या रहा है? कोई मंत्र फूंक रहा है क्या? गाइज यार अब हमारा चोप कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर आप अपना काम करो और हम दोनों कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप लोग भी देखते जाओ। और हाँ दोस्तों वीडियो को एक जल्दी से एक लाइक कर देना अगर हमारा चोप पूरी तरह से ठीक हो गया तो। अबे ये क्या हुआ, हमारा चोप तो भाई पूरी तरह से ठीक हो गया यार। बदतमीज तुमने मुझे मारा क्यों, मेरा मुंह क्यों तोड़ दिया मुक्का मार के? मैंने तो तुम्हारे चोप को ठीक किया, मैं जा रहा हूँ, बाय। तुम बहुत ही गंदे लड़के हो। अरे डॉक्टर आप गुस्सा ना हो, वो मेरा खुशी में पता ही नहीं चला आपको हाथ कब लग गया, सॉरी सॉरी। अरे भैया ये क्या कर दिया आपने, डॉक्टर को मारा क्यों? अरे यार मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसे हाथ कब लग गया। वैसे यार गाइस चोप देखो हमारा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, चलो अब हम मिलकर पार्टी करते हैं। और हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।